नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं कानपुर के मैथा क्षेत्र के मड़िया गांव की, जहां माँ और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो जाती है। प्रशासन की लापरवाही और मनमानी का शिकार हुए इस परिवार में माँ और बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसको प्रशासन के द्वारा आनंद फानन में बिठूर क्षेत्र के वाल्मीकि घाट में किया जाता है। मृतक माँ बेटी को कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक भी कंधा देते हुए देखे जाते हैं, जो कि डैमेज कंट्रोल की नीति का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही ना आती, क्योंकि एक महीने पहले पीड़ित परिवार ने प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन उस समय अधिकारियों ने उल्टा पीड़ितों पर ही मुकदमा लाद दिया था, जिसका वीडियो भी इस समय खूब वायरल हो रहा है। अरे कुछ नहीं मकान गिरा जो किसी नहीं, आपकी नहीं है। अरे सुनिए, हम चल के दिखवाते हैं। साहब जाके देख के हमको रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट आ गई सर? नहीं नहीं, आज जाके सामने देखिए। अभी भी अभी 5,000 हमसे मांगे थे। पाली साहब हमसे मांगे 5,000। आप अपनी बात सुनिए, आप हमको अपनी बात तो बता तो रहे साहब। आप हमको बताइए क्या बात है। आप बताओ, बात जीने के बाद हम आपका क्या होता है। सुनो, वो आप ही के गांव के लोग जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आकर के आप ही के लोगों ने शिकायत किया। उसमें मेरी बात सुनो भाई, गांव आबादी में सुनो तो बात। हम बात फिर आप जबरदस्ती नहीं, अवैध कब्जा का करोगे, माफिया की घेरी आप करोगे। ये माफिया की घेरी नहीं क्या है? हम कौन है पता है? मैं यहाँ का एडीएम हूँ। आप इस ढंग से जब हमसे बात आप लोग कर रहे हैं, बदता की है नहीं, और क्या किया है? खाना नहीं खाया है, खाना हम खिलाएंगे। आप जेल कर रहे हैं नहीं, और क्या करेंगे? और क्या, मैं इसके बाद और क्या विकल्प भाई? आप माफिया हो। दरअसल पूरा परिवार ही प्रशासन की गलत नीतियों का और मनमानियों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से माँ बेटी जिंदा जल गई और अब तबादला नीति का सहारा लेकर राजनीतिक हस्तियां भी अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। देखिए, हमारे और सरकार के द्वारा जो भी निर्णय था, मैंने तो शाम को ही दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं राजनीति करने, लाश के ऊपर राजनीति करने के लिए आते हैं और पीड़ित परिवार को भ्रमित करने का काम करते हैं। कमिश्नर साहब ने भी रात में ही कह दिया था कि उन्होंने अप्लीकेशन दी थी कि आपकी हर मांग पर विचार किया जाएगा, चाहे वो पट्टे जमीन को पट्टे देने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो और चाहे आवास की बात हो, तीनों बातों में कल ही एग्री हो गए थे, तभी हम लोग यहाँ से गए थे। उसके बाद ये हो रहा था कि जो सहायता राशि है वो क्या दी जाएगी, तो इसमें तो मुख्यमंत्री जी को देना था, बिना मुख्यमंत्री जी से पूछे तो हम कोई बात नहीं कर सकते थे। अभी भी जब हमने पूरी इसकी जानकारी वहाँ पर दी तो उन्होंने कहा गलत है, किसी भी पीड़ित परिवार के घर को नहीं गिराने का निर्देश है, घर को नहीं गिराया जाएगा और उसको पहले से वार्निंग देकर घर को खाली करने की बात है, किसी को घर गिराने का कोई निर्देश नहीं है मुख्यमंत्री जी की तरफ। उन्होंने ये कहा कि आप अभी जाइए अंतिम संस्कार करवाइए जाकर, और साथ ही साथ में हम उनको सम्मानित धनराशि से देंगे जैसा कि हम पीड़ित परिवार को देते हैं। मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई, डिप्टी सीएम से भी पीड़ित परिवार की बात हुई, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला है? डिप्टी सीएम को पहले आना था हमारे साथ, लेकिन वो चूंकि आज बड़ी जरूरी मीटिंग लगी हुई है तो फिर उन्होंने कहा हमें, चूंकि हमारी अपनी विधानसभा है तो मुझे तो यहाँ आना ही आना था, तो हम आपके बीच सभी लोगों के बीच में आए हैं, फिर उनके बीच में पुनः आए हैं। जब समय था तो डीएम साहिबा नाचने में व्यस्त थी और एसपी साहब गाना गाने में व्यस्त थे, और अब जब पीड़ित इस दुनिया में ही नहीं रहे तो झूठी संवेदना व्यक्त करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश जारी है। आइए आपको दिखाते हैं शमशान घाट से वह दृश्य जिसने लोगों की आंखों को नम कर दिया। हाँ हाँ पता, ठीक ठीक No, no, no.
बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए हमारा चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।